श्री स्वामी जी महाराज की रचना एकादशो उपनिषद संग्रह, इसमें कठोपनिषद में अभी तक जो गुरु महाराज से हम समझ पाए हैं, जो वैवस्वत नचिकेता से कह रहे हैं, यह आत्मा परमात्मा और ब्रह्म एक ही है। यह ब्रह्म वह परमात्मा उसी का अंश आत्मा के रूप में इस प्रकृति में नाना रूप रंग वाला है, नाना आकार हैं इसके, जो भी चोला इसको प्राप्त होता है। पीछे शक्ति वही एक है, उसे भगवान की शक्ति कह लीजिएगा, उसे ब्रह्म कह लीजिएगा, और उस ब्रह्म और भगवान का अंश उसे आत्मा कह लीजिएगा। अब तक के पाठ तक वह एक ही है, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। भक्ति प्रकाश में जब प्रवेश करेंगे, फिर मन, बुद्धि, चित, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म ये एकाकार है। ये सारे आगे उसके विस्तार से स्वरूप वर्णन किए गए हैं। चालीस पृष्ठ पर पांचवीं वल्ली आठवें श्लोक में वैवस्वत कह रहे हैं नचिकेता को, सनातन ब्रह्म का वर्णन करते हुए वैवस्वत ने कहा, जो यह परम पुरुष प्रत्येक कामना की रचना करता हुआ सोए हुओं अज्ञानियों में जागता है, सबका ज्ञाता और साक्षी है, वह ही तेजोमय है, वह ब्रह्म है। कौन जागता है भीतर? आत्मा। वही तेजोमय है और तेजोमय हमारा इष्ट श्री अधिष्ठान वह परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही तेजोमय भगवान है, वही ब्रह्म है। उसको ही अमृत कहा जाता है। उसमें सब लोक आश्रित हैं, उसको कोई नहीं लांग सकता। यह वही परमात्मा है जिसका यह सर्वत्र सारा यह सृष्टि का विस्तार हुआ है, वही आप है। जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही अग्नि, भुवन संसार, जैसे भुवन में इस सारे संसार में एक ही अग्नि, अग्नि वह ज्योति आत्मा, जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही अग्नि रूप रूप शक्ति वही है, उसके रूप शरीर उसको अलग अलग मिले हैं। चराचर ये सारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका रूप रूप अलग अलग स्वरूप वाले हैं। पदार्थ पदार्थ के प्रति तद्रूप हो रहा है, तद्रूप उसी के रूप में हो रहा है। जैसा शरीर जैसा रूप, वह आत्मा उसी के अनुसार कार्य करता है, तदाकार दिखता है। ऐसे ही
और सबका अंतरात्मा, एक का और सबका अंतरात्मा ईश्वर। अंतरात्मा कौन? ईश्वर। वस्तु वस्तु में, हर एक वस्तु में साक्षी रूप से विद्यमान है, सबको जानने वाला है, अनेक रूपों में बटा हुआ होता हुआ भी सबको पूर्ण रूप से जानता है। वह सबके भीतर है और उनसे बाहर भी है। अग्नि से जो ऊपर वर्णन किया है, जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही अग्नि, अग्नि कौन सी? अग्नि से यहां तात्पर्य तेज से है। अब तेज अग्नि के ऊपर जौन सा भी आकार रूप वाला बर्तन रख दिया जाएगा, उसमें वह प्रवेश कर जाएगा, वह तेज, वह शक्ति, वह आत्मा। वह पदार्थों में रम जाता है, परंतु फिर पृथक भी होता है, गर्म भी हो गया और बाद में ठंडा भी हो गया, रम भी गया और उससे बाहर भी हो गया। उसमें रमने से और उससे बाहर होने में, उस शक्ति में कोई भी अंतर नहीं आता। ऐसे ही सबका अंतर्यामी, सबका साक्षी है, परंतु सबसे पृथक भी है। ईश्वर की विद्यमानता का यह वर्णन है कि प्रत्येक पदार्थ में वह स्वयं विद्यमान है। जैसे भुवन में प्रविष्ट, इस संसार में प्रविष्ट एक ही वायु पदार्थ पदार्थ के प्रति तद्रूप हो रही है, उसी के रूप में वह विकसित हो रही है, उसको जीवित रखे हुए है। ऐसे एक ही सर्व अंतर्यामी ईश्वर वस्तु वस्तु में साक्षी रूप से विद्यमान है और उनसे पृथक भी है। वह सर्व अंतर्यामी परमेश्वर है। जैसे सब लोकों का नेत्र प्रकाशक सूर्य, नेत्र संबंधी बाहर के दोषों से नहीं लिप्त होता, ऐसे ही एक ही सबका साक्षी ईश्वर बाहर के लोक दुख से नहीं लिप्त होता। साक्षी परमेश्वर सबका अंतर्यामी है। सूर्या, सूर्या जैसे सब लोकों को प्रकाशित करता है परंतु लोकों से निर्लेप रहता है, ऐसे ही ईश्वर सबका साक्षी होने पर भी स्वरूप ही में सदा रहता है, स्वयं स्वरूप में सबके भीतर रहता हुआ भी अपने स्वरूप को नहीं बदलता। वह निर्लेप है, वह अमृत है, वह परम सत है, वह सर्वशक्तिमान है, अपने स्वयं स्वरूप को नहीं बदलता, स्वयं स्वरूप ही में सदा रहता है। उसे परिवर्तन और पाप स्पर्श नहीं करते। परिवर्तन जन्म और मृत्यु, प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है। जिस प्रकार तेज प्रवेश कर गया बाहर निकल गया उसमें कोई अंतर नहीं आता, इसी प्रकार उस देह में रहते हुए उन कर्मों के बंधन में भी वह नहीं पड़ता, नहीं बंध जाता, निर्लेप बना रहता है। जो परमेश्वर एक सबका नियंता,
और सब भूतों का साक्षी है। वही एक वस्तु प्रकृति को बहुत प्रकार से रचती है, बहुत प्रकार में रचती है। नाना रूप रंग लीला प्रकरण गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है कि उस परमेश्वर ने किस प्रकार एक ही शक्ति ने नाना रूप रंग लीलामय उसके जगत की उसने स्वयं रचना की हुई है। क्यों? उसकी स्वभाव की इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं, उसका स्वभाव है अनेक, जो ये सब कुछ रचना है उसका स्वभाव है। जो यहां साधक अपनी विवेचना करेगा, जो बुद्धिमान भक्त उस परमेश्वर को अपने भीतर देखते हैं, ध्यान से अराधते हैं, उन्हीं को अविनाशी सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो भगवान अनित पदार्थों में नित है, सभी नश्वर हैं पदार्थ, परंतु वह अमर ज्योति है, वह नित है, रहने वाला है, बाकी पदार्थ अनित है, नष्ट होने वाले हैं। जो भगवान अनित पदार्थों में नित है, चेतनों ज्ञानियों का ज्ञानी है, जानने वाला है, और जो एक अखंड बटा हुआ नहीं है, सब में है फिर भी एक है, अखंड भगवान अनंत जीवों के कामों फलों को रचता है, उस परमेश्वर को कौन जानेगा। जो धीर जन आत्मा में रहने वाला देखते हैं, उनको सदा रहने वाली शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। अब एक एक करके सुख कहां है, शांति कहां है, जो यह ज्ञानवंत होगा इस 12वें श्लोक में और 13वें श्लोक में, सुख कहां है मानव ढूंढ कहां रहा है, शांति कहां है मानव ढूंढ कहां रहा है, सुख 12वें श्लोक में, शांति 13वें श्लोक में। शिष्य भगवान का स्वरूप सुनकर पूछता है कि ब्रह्मवेता लोग, ब्रह्मवेता ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो इस ज्ञान को जान गया है, जो 12वें श्लोक में 13वें श्लोक में अथवा इससे ऊपर जो वर्णन किया गया है, आत्मा परमात्मा और ब्रह्म किस रूप वाला है, क्या स्वरूप है उसका, किन शक्तियों से परिपूर्ण है वह, जो यह जान गया है वही ब्रह्मवेता है, वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही ब्रह्म को जानने वाला है, उसको ये ऐसा है, इस प्रकार अनिदृश्य अनिवर्चनीय और परम सुख मानते हैं। जो जैसा कहा उसको मान करके उसकी खोज अपने भीतर जाप से, ध्यान से, अपनी साधना से करते हैं, वह परम सुख को अब जो वर्णन तो नहीं किया जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, वचन के द्वारा उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है,
केवल गुरु ने यह ज्ञान बतलाया है, इसको अनुभव तो स्वयं करना होगा। मैं उसको कैसे जानूं, वह क्या है? अब जो वर्णन नहीं किया जा सकता, यह विवस्वान कह चुके हैं, अनिवर्चनीय है, वचन के द्वारा तो उसको नहीं सिद्ध किया जा सकता, वह दिखाया भी नहीं जा सकता। अब शिष्य पूछ रहा है, मैं उसको कैसे जानूं कि वह वही है जो आप वर्णन कर रहे हैं? जब मैं भीतर ध्यान में बैठूं, जो अवलोकन होगा, क्या वह वास्तव में वही है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं कि मुझे दर्शन हो गए, अथवा भ्रम मैं रहूं? हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, वह ज्ञान गुरुदेव से ही समझ आवेगा। वह क्या है? केवल चमकता है, प्रकाश केवल एक सा ही वह प्रकाश है, अथवा अनेक प्रकार से चमकता है, विभिन्न प्रकाश है उसके, अनेक प्रकार से वह चमकता है, मैं उसको कैसे जानूं? गुरु ने उत्तर दिया। यहां पर शिष्य और गुरु, नचिकेता और वैवस से तात्पर्य है, क्योंकि नाम दीक्षा दी वैवस्वान ने नचिकेता को, इसलिए वह गुरु कहा गया। गुरु ने उत्तर दिया, उस परमेश्वर में सूर्य नहीं चमकता, उसको सूर्य नहीं प्रकाशित करता, ना उसको चंद्र तारे प्रकाशित कर सकते हैं, और ना ही ये बिजलियां उसको प्रकाशित कर सकती हैं। यह अग्नि तो कहां से प्रकाशित करेगी? वास्तव में उसी के ही चमकने पर, दीप्तमान होने पर सारा विश्व चमक रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सारा चराचर जगत वह चमक रहा है, तभी यह प्रकाश है, तभी यह जीवत है। उसकी ज्योति से यह सारा जगत अनेक प्रकार से चमकता है, अनेक प्रकार से, अनेक रंग, अनेक रूप, अनेक आकार, यह सब एक शक्ति से चल रहे हैं। वह ब्रह्म है, वही भगवान है, वही आत्मा है। भगवान तो प्रकाश धाम, ज्योति स्वरूप, सबको ज्योति देने वाला ईश्वर है। उसकी सत्ता के आश्रित यह विश्व है। जो साधक यह जान करके जाप करता है, ध्यान करता है, और अपने आप को उसके आश्रित मानता है, वही सुख, वही शांति, वही आनंद को अनुभव करता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मेरा लक्ष्य उसमें प्रवेश करना है, क्योंकि मैं उसी का अंश, उससे बिछड़ा बालक मैं भटक रहा हूं अपने घर से, और भटकते हुए दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को प्राप्त कर रहा हूं। उसकी ये जो किरणें हैं, ये सारा जो प्रकृति है, जो दृष्टि गोचर है, उसी की फलाई हुई माया है, उसी की किरणों से मैं चना चौंद, वो आंखों को चुंधियाने वाली माया उसके दर्शन नहीं करने देती। मैं इसी में उलझ गया हूं,
मोह में, माया में, ममता में, वैर में, विरोध में, कला क्लेश में, मुझे सुख कहाँ से होगा, मेरे दुख दूर कैसे होंगे। यह उसकी परम शरण को धारण करके अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे उसमें प्रवेश करना है। सदा का सुख और सदा की शांति वही है और कहीं पर भी नहीं है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। स्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 माते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति परमात्मने श्री